प्रोग्राम की जो होस्ट है ना सोनाली जी, अबे उनके झुमके देखें कितने बड़े बड़े हैं। दिल चाहता है एक तरफ तू लटक जाए, एक तरफ मैं लटक जाऊं। मैं तो ठीक हूँ, तू लटकेगा ना तो उधर से ही खींच जाएगी वो। अम्मी अबू गाय के दूसरों के पड़ोस को परेशान कर रहा है। अबे बता तो दू घर वालों को कि मैं आ गया हूँ। बता यार एक बात बता, हाँ ये तेरे बाल क्यों उड़ रहे हैं? फिकर की वजह से। फिकर किस बात की? बाल उड़ने की। अच्छा ये बता तेरी तबीयत कैसी है? यार बुखार तो टूट गया, हाँ लेकिन टांग में दर्द हो रहा है। बेफिक्र रहे, बेफिक्र रहे, ये भी टूट जाएगी। यार एक बात सुन भाई। हाँ बोल बोल। किसी को बताएगा तो नहीं? क्या हुआ? क्या क्या क्या? तू राज को राज रख सकता है? हाँ लेकिन हुआ क्या? किसी को बताइयो नहीं। नहीं ना यार, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। है? समझ ले मैंने ये बात सुनी नहीं है। तुझे मैं कल की बात तो बताना ही भूल गया। क्या हुआ? कल एक आदमी जो है ना, हा? एक औरत को मार रहा था। नहीं यार। मैंने बोला तुझे शर्म नहीं आती औरत पे हाथ उठाता है? किसी मर्द से लड़ तो तुझे पता लगे। फिर क्या हुआ? मैं होश में आया तो हॉस्पिटल में था। यार मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम हो गई है, अजीब बीमारी हो गई है यार। क्या हुआ? मैं जब भी किसी से बात करता हूँ ना, आवाज सुनाई देती है, आदमी नजर ही नहीं आता। ऐसा होता कब है? जब मैं टेलीफोन पे बात करता हूँ। ओ भाई यार मैं अपने बेटे वासिल की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्यों क्या हुआ? यार उसकी अंगूठा चूसने की आदत ही खत्म नहीं हो रही। ये आदत एक दिन में खत्म हो सकती है। कैसे? उसकी चड्डी की लास्टिक ढीली कर दे, यूं यूं घूमेगा। अच्छा भाई, हाँ यार मुझे अमीर होने का कोई तरीका बता दे। बहुत आसान तरीका। अच्छा? ओहो इतनी दौलत आएगी कि तुझसे संभाल ही नहीं जाएगी। मगर आएगी कैसे? अबे चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ यही बोलना है। क्या? दे ऊपर वाले के नाम पे बाबा, दे ऊपर वाले के नाम पे बाबा, दे ऊपर वाले के नाम पे बाबा। ओए होए होए होए, हाँ तेरी आंखें। नहीं यार। तेरा चेहरा, तेरे बाल, तेरा जिस्म। अबे कोई चीज तो ठीक होती तो तू अपने आप को भी तो देख ले, उजड़ी हुई फसल। अबे तू भी खामोश हो जा, फटे हुए कद्दू। मेरी जान, ऐसे शेर कभी कभी पैदा होते हैं और ऐसे कुत्ते हर 5 मिनट के बाद हो रहे होते हैं। चलो 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 चलो। तू वो शेर है जो कुत्तों में खेल के जवान हुआ है। झूठ। हाँ? मैं तेरे साथ कब खेलता था? कल ये अपने वकील से कह रहा है, कह रहा है भाई अगर आज मैं अपनी बीवी का इंश्योरेंस कराऊं तो मुझे कल क्या मिलेगा? तो वकील फौरन बोला सजाए मौत। अपना बता ना, कल शेव करके अपनी बीवी को कह रहा है मैं जब भी शेव करता हूं तो अपने आप को जवान महसूस करता हूं। इसकी बीवी फौरन बोली आइंदा से आप शेव रात को बनाया करें। कल ये दोनों मियां बीवी टैक्सी में जा रहे थे, इसकी बीवी की आवाज आई हाय खुदा कीजिए, हाय अल्लाह करे, हाय बस कर दीजिए, रुक जाइए। टैक्सी वाले ने ब्रेक मार दिया। टैक्सी वाला कहलाएगा भाई क्या आप दोनों को यहीं उतरना है? तो ये क्या बोल रहा है, आप टैक्सी चलाएं, ये मुझसे कह रही है। अबे अपना बता ना, कल देर से घर पहुंचा, इसकी बीवी बोली देर से क्यों आए आप घर पे? ये फौरन बोला दफ्तर में काम था, मैं बॉस के पास था। इसकी बीवी गुस्से से बोली झूठ बोलते हैं आप, आपके बॉस अभी अभी यहां से गए। ये भी दफ्तर से घर पहुंचा तो इसकी बीवी ने बोला जल्दी से जूते उतार दें ताकि मैं खाना लगा दूं। तो ये क्या बोल रहा है, आज खाने में जूतों के अलावा और कुछ नहीं है। अबे अपना बताना, बताओ एक औरत का 7वां शोहर मर गया, वो रोने लगी कि मुझे किसके भरोसे पर छोड़कर जा रहे हो? ये फौरन बोल पड़ा 8वें के। इसके बॉस ने इसको नौकरी से निकाल दिया और कहने लगा अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो मेरी मुट्ठी गर्म करनी होगी। इसने जलता हुआ कोयला मुट्ठी पे लगा दिया। अबे अपना बताना, बताओ शादी की पहली रात अपने दोस्त की तलाक करवा दी, उसने बोला यार आज मेरी शादी की पहली रात है, मुझे कोई अच्छा सा शेर बता मैं अपनी बीवी को सुनाऊंगा। इसने शेर क्या बताया, घूंघट में तुझे देखा तो तेरा दीवाना हुआ, मस्ती का मस्ताना हुआ, क्षमा का परवाना हुआ, और घूंघट उठाकर जैसी तुझे देखा इस दुनिया से रवाना हुआ। ये बात नहीं है। अबे 15 साल तक हम मियां बीवी बहुत खुश थे, फिर हम दोनों ने शादी कर ली। कल सीन हो गया यार। क्या? मैंने अपनी बीवी को बोला मैंने देखो मैं पहला मर्द हूँ ना जो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो मेरी बीवी क्या बोल लिया, हाँ ये सच है, पहले मैं ही मर्दों से मोहब्बत करती थी। अबे मेरी बीवी की मोहब्बत देख, तूने कभी मौका ही नहीं दिया। ले भाई आज तू खुश हो जा। नहीं यार, आज तुझे चिकन बिरयानी, हाँ तंदूरी नान, मुर्ग पुलाव,
कोरमा, कस्टर्ड सब खिलाऊंगा। नहीं नहीं यार, तू मजाक कर रहा है। अबे पड़ोस में कल दावत थी, आज चला जा। हाँ। तेरे को मुबारक हो यार। हाँ। तेरी बहन की शादी हो रही है। हाँ हाँ यार, मेरी बहन की शादी हो रही है, लेकिन यार एक प्रॉब्लम आ गई है यार। क्या क्या क्या? यार जब मेरी बहन रुखसत होगी ना। हाँ। तो सब रो रहे होंगे। यार मुझे रोना नहीं आता, अगर मैं नहीं रोऊंगा ना तो यार खानदान वाले बुरा मान जाएंगे। अबे बहुत ही आसान तरीका। क्या? आंखों में मिर्चे डाल लियो। आंखें यार मिर्चे लगेंगी मेरी आंखों में? तो फिर थोड़ी सी चीनी डाल ली। तू क्या चाय बना रहा है? तूने फिल्में देखी है? हाँ हाँ। उसमें रोने के लिए ग्लिसरीन यूज करते हैं। हाँ हाँ। वो यूज करियो। अबे मैं क्या अपनी बहन को फिल्म में रुखसत कर रहा हूँ? नहीं कोई 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 ऐसा मेरे फिर को दफा कर, खुद ही चली जाएगी। नहीं नहीं कोई ऐसा तरीका बताना यार कि मुझे रोना आ जाए। रोना आ जाए? हाँ हाँ। सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं। हाँ सोच लिया। अबे आइडिया आ गया। अच्छा आइडिया आ गया। रुखसती के वक्त हाँ तू ट्रेजेडी गाने लगा दियो। समझ गया। बस उससे पूरा माहौल बनेगा। हाँ। और तेरे को रोना आ जाएगा। अच्छा हाँ। तू वो गाने गा सकता है? हाँ। अच्छा तू रोएगा? हाँ मैं रोऊंगा। चल रिहर्सल कर लेते हैं। चल ठीक है। तूने अपना जहन पूरा वही बनाना है। ठीक है। कि तू बहन को विदा कर रहा है। मैं गाना गाता हूँ, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। चल री सजनी अब क्या सोचे। अबे वो लंगड़ी। अबे मैं गाना गा रहा हूँ। अच्छा तुम गाना गा रहे हो? हाँ। अच्छा चल री सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। शाबाश भाई, बहुत अच्छा गाना गाया। तारीफ नहीं करनी है, रोना है। रोना है, रोने जैसा माहौल बना रहा है। ठीक है रोऊंगा रोऊंगा। हाँ ठीक है ना। हाँ चलो रे ढोली उठाओ, कहार पिया मिलन की रुत आई। क्या हुआ? तूने क्या नई बैटरी डलवाई है क्या? नहीं तो इमोशनल गाना गाओ ना, रोना आए यार। रोना आए? चलो अच्छा अच्छा अब रोऊंगा। रोने वाला मुंह बनाना। हाँ रोने वाला मुंह रूप बना। हाँ, बना है? उस वक्त क्यों नहीं बना रहा? रेडी रेडी अब फुल ट्रेजेडी गाना। अच्छा ठीक है। बहन मेरी रुखसत हो रही है, रो ये रहा है। पागल के बच्चे, माहौल बना रहा हूँ तेरे। अच्छा, लिए मेरे लिए माहौल बना, तेरे लिए माहौल बना रहा हूँ। चलो ठीक है ठीक है ना। रेडी है? रेडी। हाँ बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी। नारो मेरी बहन, तू अच्छी रहेगी नारो। मैं समझ रहा हूँ मूड आ गया, तू मुझे बहन बना रहा। तो तुम एक्सप्रेशन भी तो ऐसे दे। जलील आदमी, गाना गा के मुझे रोना आ गया, तुझे रोना नहीं आया? अच्छा नहीं, अब रोऊंगा। कैसे बता? नहीं नहीं रोऊंगा। नहीं बता रो के। उस वक्त क्यों नहीं रो रहा? बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। खत्म हो गया गाना? क्या गाना खत्म होने का इंतजार कर रहा था क्या? नहीं नहीं। अच्छा, रो रो तो रुलाओ ना मुझे। कैसे? तू देख। हाँ। तुझे रुलाना है ना। हाँ हाँ। अब एक ही तरीका बचा। क्या? उससे तो बड़े बड़े रो जाते हैं। कैसे? सिद्धू भाई, शेखर भाई, आप सब बताएं, जो खूनी रिश्ते से रोना नहीं जानता हो, जो जज्बात से रोना नहीं जानता हो, उसको कैसे रुलाना चाहिए? पिटाई करो, पिटाई।